हेलो एवरीवन आउट देयर, वेलकम बैक टू चैनल मशीन एंड मी। और आज मैं पहुंच चुका हूं होंडा बिग विंग के शोरूम में, जो मेरा होम टाउन वर्धमान में रिसेंटली ओपन होने वाला है। तो अंदर जाएंगे, अंदर जाके इन लोगों के पास क्या स्टॉक है, एज अ कस्टमर आपको क्या फैसिलिटी मिलेगा ड्यूरिंग परचेज ऑफ बाइक, उन सारे चीजों के बारे में एक एक करके हर एक इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे। तो बाहर बहुत धूप है, नॉइज भी है, तो फटक से अंदर चले जाते हैं और जाके बात करते हैं। हेलो हाय हाय संजय। वर्धमान जो पिग विंग है होंडा का, ऐसे में यहाँ का, तो सर जैसे मैं बोलूंगा कि क्या है यहाँ पे अभी, तो जैसे कि लग रहा है शोरूम अभी कंप्लीट से रेडी नहीं हुआ है, तो कंप्लीट रेडी कब होगा, मतलब ओपनिंग कब होगा? अच्छा, तो रेडी ऑलमोस्ट हो चुका है, बस थोड़ा सा कुछ काम बाकी है। बट हम लोग कस्टमर जो है, जो लोग को नीड था इतना दिन से कि होंडा कब आएगा, बिग विंग कब आएगा, मुझे कोलकाता दौड़ना नहीं पड़ेगा, तो उन लोग के लिए ये बोलना चाहता हूँ कि ओपनिंग तो हम लोग का 26 को है, ग्रैंड ओपनिंग अच्छा 26 जुलाई को। बट फॉर द टाइम बिंग हम लोग टेस्ट राइड बुकिंग एंड बिलिंग भी ओपन है, हम लोग ओके पहले भी कर रहे हैं वो। तो जैसे कि 26 को ओपनिंग है, उसके पहले हम लोग स्टार्ट कर दिया, ताकि टेस्ट राइड जिनको लेना है, कोई सोचा है कि ग्रैंड ओपनिंग का दिन लूंगा, तो उनके लिए तो पहले बुकिंग तो चाहिए, उनको ठीक है, टेस्ट ड्राइव भी लेना पड़ेगा, तो इसीलिए टेस्ट ड्राइव एंड बुकिंग सब कुछ ओपन रखे हैं। मतलब अभी कस्टमर आ सकते हैं, बाइक को देख सकते हैं, टेस्ट राइड ले सकते हैं, और हो सके तो बुकिंग करके बाइक को घर भी ले जा घर भी सकते ले हैं। जा सकते हैं। पर एग्जैक्टली ओपनिंग होगा 26 तारीख, 26 को, तो ट्वेंटी मेरे जो सिक्स व्यूअर्स है, अगर वर्धमान की टेरिटरी से आप देख रहे हो, एक्चुअली वर्धमान, बीरभूम, बांकुड़ा, पश्चिम वर्धमान, इन सारे जगह से अगर देख रहे हो, तो प्लीज डेट को मार्क कर देना, क्योंकि 26 तारीख को टाइम में भी, बाद में इंस्टा में या मेरा फेसबुक स्टोरी में या जो कम्युनिटी है यूट्यूब का, वहां पर मैं डाल दूंगा कितने बजे ये ओपनिंग होगा। पर 26 तारीख का डेट को आप मार्क कर लेना, क्योंकि वर्धमान में पहली दफा होंडा बिग विंग ओपन होने वाला है, वो भी ऑफिशियली। और हम लोग यहाँ पे जो स्टॉक है बिग विंग में, जो स्टॉक रहता है वैसे ही है ना सब कुछ, हाँ, पूरा मतलब स्टॉक स्टॉक आपको मिल पूरा जाएगा अवेलेबल है, क्या एकदम। क्या स्टॉक है हम लोग? क्या क्या, पहले तो मैं आपका स्टार्ट करूंगा, जो यहाँ पे जो खड़ा है, मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं हाईनेस है, ये हाईनेस डिलक्स प्रो है। ओके ओके, हाईनेस का आपको बहुत सारे वेरिएंट मिल जाएंगे, जैसे एक हाईनेस ये देख रहे हैं, ये आपका डिलक्स प्रो क्रोम है। फिर आपका उधर एक है, हम लोग बाद में जाते हैं उधर, फिर वो लेगेसी है। फिर आपका 300 सेगमेंट में आपका दो बाइक मिल जाएंगे, दोनों ही बहुत अंडररेटेड है। एक 300R है, ये तो पर्सनली मुझे लगता है बहुत अंडररेटेड बाइक बहुत है, क्योंकि मेरे अंडररेटेड प्रो है, में से बहुत तगड़ा है। बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस है, आपको कम्फर्टनेस भी बहुत ज्यादा है, और अच्छा उनका भी 300F का भी सेम है। थ्री ठीक हंड्रेड है एफ मतलब कोई 250 या 300 सेगमेंट में कोई नेकेड स्पोर्ट्स बाइक ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए वो परफेक्ट है। अच्छा उनका सिटिंग पोजिशन, स्मूथनेस, उनका प्राइसिंग सब एकदम आपका मतलब रेंज में आ जाएगा, बहुत राइट। बढ़िया, उसके साथ आपका ये एक मॉडल है RS 350, मतलब हाईनेस के ऊपर ये ब्लैक, ग्लॉसी ब्लैक हो गया, ये ग्रे डार्क हो गया, ग्रे हो गया, हर एक कलर के पास हर एक अवेलेबल कलर है। अवेलेबल है। ओके और उसके साथ RS भी है, RS का भी जो जो कलर आते हैं, जो जो आपका मॉडल आते हैं, जैसे ड्यूअल टोन हो गया, मोनोटोन हो गया, सब हम लोग के पास अवेलेबल है। और इसके साथ जो होता है ना, जो होता है जो कस्टम जो एडिशन होता है, हाँ, वो क्या आप लोगों के पास सब यस कुछ यस, अवेलेबल है? जो कस्टम मतलब एडिशन जो होता है। कोई कस्टमर एक बाइक लेगा, समझो आप ये 350 RS लिया, तो 350 RS के ऊपर जो जो कस्टम अवेलेबल है, हर एक कस्टम का जो गुडीज होता है, आप एकदम लोगों के पास अवेलेबल है? एकदम एकदम, जो कस्टमाइजेशन होता है, कस्टमाइजेशन के जो गुडीज लगते हैं, वो सब कुछ आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, सारे सारे गाड़ी का। अब जैसे आपका मन पसंदीदा, आप गाड़ी को कस्टमाइज कर सकते तो हो। ये तो क्या है? ये आपका जो है, ये DLX 350 है, ये भी बहुत अंडररेटेड बाइक है। एंड ये आपका जो है, ये आपका DLX 350 Pro है, ये दोनों ही बहुत अंडररेटेड बाइक है। एंड ये दोनों का जो आप देख रहे हैं, जैसे कि आप दोनों में डिफरेंस देख पा रहे हैं फेंडर कलर का, ये DLX में आपको फेंडर कलर डिफरेंट के मिलेंगे, और आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलेंगे, जो होंडा स्मार्टफोन कनेक्टिविटी है। और ये आप जो देख रहे हैं, ये आपका DLX Pro, राइट। तो इस पे आपको फेंडर और बॉडी कलर एक मिलेगा, आपको इसके साथ आपको मिल जाएगा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, राइट। एंड कलर जो है, कलर आपको सारे अवेलेबल मिल जाएंगे, इनका जो जो कलर है, इनका जो जो कलर देख रहे हैं आप, इनके अलावा भी और बहुत सारे कलर्स हैं, आप जो कलर वो है वो मिल जाएगा आपको। आप और आप जो अगर आप क्लासिक 350 के मतलब लवर है, तो मैं आपको बोलूंगा कि इन पे एक बार चढ़ने के बाद, एक बार टेस्ट राइड लेने के बाद, आपका खुद का क्लासिक 350 में बैठने का मन नहीं करेगा, क्योंकि इनका जैसा स्मूथनेस आपको उस पे नहीं मिलेगा। इनका स्मूथनेस बोलिए, साउंड बोलिए, टोटली डिफरेंट लेवल के हैं,
सिटिंग पोस्चर बोलिए टोटल डिफरेंट लेवल के हैं, एंड कंपेयर टू क्लासिक आपका प्राइस पे भी बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। और क्या होगा यहाँ पे, कितना डिफरेंस है आप कंपेयर नहीं कर सकते, अंदाज नहीं कर सकते कि जो मैं आप क्लासिक ले रहे हो उसमें आपका लेग गार्ड सारी गार्ड के साथ ये गाड़ी आ जाएगा आपका पूरा कंफर्टनेस के साथ, जो जिसके लिए होंडा को जाना जाता है, होंडा के इंजन को जिसके लिए जाना जाता है कि स्मूथनेस, सारे स्मूथनेस आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम चले जाते हैं, हम लोग के पास हॉर्नेट भी है और 200X भी है। आई बिलीव आपके मन में क्वेश्चन आ गया होगा कि ये तो आपका रेडविन का भी शोरूम में मिलता है हॉर्नेट एंड 200X, ये आपके पास क्यों है, राइट? देखिए, रेडविन एक अलग सेगमेंट है, बिगविन अलग सेगमेंट है। रेडविन में आपको स्कूटर एंड ऑल मिल जाएगा, बट ये दो जो सेगमेंट है ये कंपनी ने ऐसा कंबाइन किया है कि ये रेडविन में भी आपको मिलेगा, बिगविन में भी आपको मिलेगा, राइट? बट बिगविन से जब आप ये चीज को ले रहे हो, इसका जो टेक्नीशियन, ये तो आपका एक्चुअली ये भी एक स्पोर्ट्स नेकेड बाइक है 160 सीसी सेगमेंट में, ये भी एक टूरर है 200 सीसी में। तो इनके लिए आपको क्या होगा, आपको अच्छा मैकेनिक का भी जरूरत पड़ेगा अच्छा मेंटेन के लिए। तो बिगविन से क्या होगा, बिगविन का आपको वो लेवल का मैकेनिक मिल जाएगा जो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, तो इसलिए ये बिगविन में भी अवेलेबल है, रेडविन में आप कहीं से भी दोनों जगह पे आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद जो हाइनेस का कलर बोल रहे थे, ये भी एक अट्रैक्टिव कलर है, जो लोग बहुत ब्लैक पसंद करते हैं, आप देख सकते हैं ब्लैक के साथ क्रोम है। आप गाड़ी का डिजाइन थोड़ा दिखा दीजिए, ये बहुत एक अट्रैक्टिव कलर है जो ब्लैक के साथ आपका क्रोम आता है। ये भी एक हाइनेस का मॉडल है, एंड हाइनेस का और एक जो मॉडल है वो आपका लिमिटेड एडिशन है, जो है लेगेसी एडिशन, जो हम लोग को उधर रखा हुआ है, वो देख सकते हैं। ये है आपका लेगेसी एडिशन, इसका आप दो टाइप का हाइनेस देखे हैं, जैसे कि आपका हाइनेस डिलक्स प्रो और एक प्रो क्रोम भी देखे, और ये है लेगेसी एडिशन, ये लिमिटेड एडिशन है। टैंकी में देखिए बहुत सारे चेंजेस है, ग्राफिक्स में बहुत सारे चेंजेस है, ये आपका लिमिटेड एडिशन है होंडा का हाइनेस का। और एक चीज जो है मैं बोलना चाहूंगा, और एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा, जैसे कि जो भी आपका कस्टमर है उन लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि लाइक मैं तो बाइक तो यहाँ से ले लूंगा, जैसे पहले होता था बाइक आपको कोलकाता से लेके आना पड़ता था, यहाँ पे शोरूम नहीं था बिगविन का। तो अभी क्या है कि कस्टमर को अभी कोलकाता जाना नहीं पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल बाइक उनको यहीं पे मिल जाएंगे, सारे मॉडल हायर सीसी जो आ रहे हैं 750 बोलिए, एनएक्स 500 बोलिए, ये भी यहाँ पे आपको डिस्प्ले भी रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आके आप परचेस भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा होता था कि कोलकाता में तो हाई कॉन्फिगरेशन जो बाइक है, हाई पावर की तरफ से जब बात करें पावरफुल बाइक वहाँ पे नहीं था, पर वर्धमान ये जो सबर्बन जो एरिया है इसे अभी निग्लेक्ट किया गया था बहुत दिनों के लिए, वो आपके मन में अभी नहीं रहेगा क्योंकि इतना पावरफुल बाइक यहाँ पे भी मिलेगा एकदम। और उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो कंसर्न रहता है सर्विस का, क्योंकि आप गाड़ी लेने के लिए एक वन टाइम जा रहे हो, सर्विस में आपको हमेशा जाना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा, तो सर्विस आपको वर्धमान में ही मिलेगा, वर्धमान में ही सर्विस सेंटर एकदम, आपको और कोलकाता जाना नहीं पड़ेगा। कहाँ पे ओपन हुआ ये आपका? वर्धमान के कोई भी आदमी है तो, और बाहर के भी गुलाबबाग मोड़ पहचानते हैं, गुलाबबाग मोड़ के बाद केस्टोपुर मोड़ आता है, केस्टोपुर मोड़ और खगरागौर मोड़ के बीच में जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एकदम ऑपोजिट में ही पार्किंग है, मतलब का सर्विस है। रेलवे स्टेशन से आऊं तो जो वर्धमान का जो फायर ब्रिगेड ऑफिस है, हाँ, उसे क्रॉस करने के बाद एग्जैक्टली खगरागौर मोड़ आता है, खगरागौर मोड़ के बाद ही लेफ्ट साइड में। कितना दूर होगा खगरागौर मोड़ से? 50 मीटर, 50 to 60 meter। मतलब कम्युनिकेशन भी कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, आप वर्धमान स्टेशन से भी, और अगर हाईवे की तरफ से आप जा रहे हैं एनएसटी की तरफ से, तो आपको गुलाबबाग मोड़ जैसे आप क्रॉस कर रहे हैं, गुलाबबाग मोड़ क्रॉस करने के बाद केस्टोपुर मोड़ आता है, केस्टोपुर मोड़ का बाद सेंट्रल बैंक है एकदम उसको अपोजिट में। अच्छा जी, एकदम उसको अपोजिट में। अच्छा चीज है। तो सारे बाइक का सर्विस आपको वहां पे मिल जाएगा, और हर कस्टमर चाहता है कि उनका सर्विस मतलब ज्यादा दूर तक जाना ना पड़े, तो ऑब्वियसली तो सर्विस और तेल एक ही जगह मिल जाएगा। रॉयल एनफील्ड के शोरूम में अगर मैं जाऊं, वहां पे बहुत सारे मर्चेंडाइज होता है, गुडीज होता है जो एक ब्रांड प्रमोट करते हैं, वो चीज क्या मुझे मिलेगा? मैं मतलब मैं एक फैन बॉय हूं, मैं होंडा का एक बाइक यहां से लेना चाहूं, तो उसके साथ मैं ब्रांडेड शूज या ब्रांडेड जैकेट्स ग्लव्स जो भी है, मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन ये सब कुछ यहां पे मिलेगा एकदम। देखिए आप अगर एक राइडर हो या बाइक आप चलाते हो, तो ऑब्वियसली आपको सेफ्टी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, आपका जो भी एक्सेसरीज है, जो गियर्स है, लाइक आपका जैकेट्स हो गया, ग्लव्स हो गया, आपका फिर शूज हो गया, हेलमेट हो गया, ये सब आपको यहीं पे अवेलेबल मिल जाएगा, सब आपको यहीं पे अवेलेबल मिल जाएगा। बहुत अच्छी चीज है, पर मुझे एक बात बोली आप,
अगर मेरा जो व्यूअर्स है जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुका है अभी या करने वाला है, वो लोग अगर हम लोग के यहाँ से कोई बाइक लेता है तो उन लोगों को क्या कोई सब्सिडी मिलेगा? ऑब्वियसली फैसिलिटी तो हम लोग फैसिलिटी देने के लिए बैठे हैं, उनको मिलेगा फैसिलिटी देने के लिए बैठे हैं, फैसिलिटी ऑब्वियसली मिलेगा। बट हाँ, वो फैसिलिटी हम लोग आपको सिर्फ वन टाइम के लिए नहीं, हम लोग पूरा मतलब लाइफ टाइम के लिए देना चाहते हैं वो फैसिलिटी। सिर्फ एक दिन के लिए वो फैसिलिटी लेके तो आपको कुछ फायदा नहीं है, वही सही है, आपको लाइफ टाइम के लिए देंगे। और मतलब लाइफ टाइम में पूर्ण एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि एक केक कटना हो गया, ये ऐसे कुछ हो गया, ये हाँ, वन टाइम होता है, ये फ्री फॉर इफेक्ट वन टाइम वन होता है। टाइम होता है, लेकिन आपको हर टाइम गुड फील कराने का काम हम लोग का है। तो फैसिलिटी जो है वो आपको लाइफ टाइम तक मिलेगा। अच्छा जी, गाड़ी तो आप एक ही बार खरीदेंगे, राइट, वो तो सही है। बट उसको मेंटेनेंस जो होता है उसका जो लाइक मेंटेन करके रखना होता है, वो आपको ज्यादा मतलब चाहिए एक गाड़ी को मेंटेन करने के लिए। तो वो एक चीज अच्छा है कि हम लोग सपोर्ट आपको पूरा लाइफ टाइम देंगे, इससे ज्यादा फैसिलिटी और क्या हो सकता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो एकदम अगर आप बर्धमान की टेरिटरी से बिलोंग करते हो, वेस्ट बर्धमान हो या बांकुड़ा हो, बीरभूम हो, तो आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ा खुशखबरी है। पर्सनली मैं एक बहुत राइड पसंद करने वाला बंदा हूँ, मैं बहुत राइड करता भी हूँ, यूट्यूब में कंटेंट बनाता हूँ, कुछ कुछ कंटेंट में यही डालता हूँ, पर्सनल राइड एंजॉय करने के लिए सब मैं राइड करता हूँ। तो मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो होंडा बीबीएन का जो बाइक से, बहुत प्यारा बाइक से, इन हर एक बाइक के ऊपर डिटेल में वर्कआउट, राइड रिव्यू वर्धमान से हम लोग के लिए मैं लेके आऊंगा। तो मेरे चैनल से जुड़ा रहना, एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट होंडा की बाइक से इसके ऊपर आने वाला है। तो अभी के लिए बस इतना ही, बहुत ही दूसरे कॉन्टेंट के साथ फिर से मुलाकात होती है। तो फैंटास्टिक एंड कीप ब्रेविंग, बाय। थैंक यू।